जय हिंद मेरे दोस्त, आप सभी का स्वागत है केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग लेकर आए हैं एक नई वीडियो आप सभी के लिए। जीएसटी में कुछ नई अपडेट आई है, तो आइए एक बार देखते हैं, कपिल जैन सर से पूछते हैं कि नई क्या क्या चेंजेस आए हैं। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि रूल 37 कैपिटल ए कुछ नया इंट्रोड्यूस हुआ है। इसमें क्या है कि अगर बाई चांस आपने कहीं से भी माल खरीदा है और जब आपने माल खरीदा, जीएसटी बिल वगैरह आए, आपने अपने पोर्टल पर चेक किया तो आपके पोर्टल पर भी अपडेट हो गया, जीएसटीआर 2A में आ गया वो। लेकिन उसमें कुछ इन्होंने चेंजेस कर दिए हैं कि अब आप इनपुट क्लेम करेंगे तो उसकी कुछ कंडीशंस इसमें डाल दी हैं। वो कंडीशंस क्या हैं, कब से क्या एप्लीकेबिलिटी है, तो सर जरा बताएं कि कौन से सेक्शन के साथ हमें ये रूल 37A पढ़ना है। क्या हमें ये अकेले पढ़ना है या किसी के साथ कंबाइंड पढ़ना है? क्या लास्ट डेट है इसमें, कुछ क्या है, जरा एक बार सर बताएं इसमें। देखिए, अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ITC को लेकर समय समय पर तरह तरह के रूल्स और सेक्शन में अमेंड किया जा रहा है। बिल्कुल। तो इसी सीरीज में एक सेक्शन 41 है जिसके अंदर चेंज किया गया। सेक्शन 41 के अंदर क्या चेंज किया गया? सेक्शन 41 के अंदर इन्होंने लिखा कि भाई जो भी आप ITC क्लेम कर रहे हो आप अपने बेसिस पर क्लेम कर लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं चेक करेंगे। तुम्हें 1 लाख का करना है 1 लाख का कर लो, 10 लाख का करना है 10 लाख का कर लो। लेकिन 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 अगर हमने ये पाया कि भाई जो ITC तुमने क्लेम करा है आपके सप्लायर ने उस पर टैक्स जमा नहीं करा, 3B में उस पर टैक्स जमा नहीं करा, तो वो ITC आपको रिवर्स करना पड़ेगा। ये वाली बात इन्होंने सेक्शन 41 में लिख दी। ठीक है, मैंने कहा ठीक है, चलो मैं अभी ITC क्लेम कर ले रहा हूँ और अगर मेरा सप्लायर जमा नहीं करेगा तो मैं इसका ITC रिवर्स कर दूंगा। अब मुद्दा ये हुआ कि भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे सप्लायर ने टैक्स जमा करा कि नहीं या नहीं करा। तो ये क्या लेकर आए, एक रूल लेकर आए, रूल 37A। और रूल 37A में लिखा कि तुम्हारे सप्लायर ने अपने GSTR 1 में बिल डाल दिया और वो आपके 2A में शो भी कर रहा है, वो आपके 2A में शो भी कर रहा है और आपने उस पर ITC भी ले लिया। लेकिन अगर आपके सप्लायर ने अपनी 3B फाइल नहीं करी तो हम ये मान लेंगे कि उसने टैक्स जमा नहीं करा, और अगर उसने 3B फाइल कर दी, चाहे वो नील की फाइल कर दी, चाहे जो मर्जी कर दिया, तो हम ये मान लेंगे कि उसने टैक्स पे किया है। तो यहां पर रूल 37A में इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने रूल 37A में लिखा कि भाई जो भी ITC आपने क्लेम करा है आप एक बार चेक कर लो जाकर पोर्टल पे जाकर, उसके पोर्टल पर जाकर मतलब अपने पे अपने ही पोर्टल पर चेक करना है। जब हम अपने पोर्टल पर जाते हैं तो यहाँ पर 2A में ये दिखाता है कि भाई सामने वाले व्यक्ति ने 3B फाइल कर दी या नहीं। अगर यहाँ पर 3B उसने फाइल करी हुई है और सबका स्टेटस Y आ रहा है, Y मतलब यस, यस आ रहा है, तो इसका मतलब यू आर सेफ। लेकिन अगर किसी का स्टेटस Y नहीं आ रहा, किसी का स्टेटस आ रहा है नो, तो इसका मतलब वो वाला ITC आपको, ये कब चेक करना है, 30 सितंबर के बाद। इन्होंने कहा है कि भाई 30 सितंबर तक आप चेक कर लो, क्योंकि पिछले साल की बात है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की, वैसे तो 22-23 की जो रिटर्न है सारी वो 20-22-24 अप्रैल में फाइल हो जानी चाहिए, लेकिन फिर भी हम 30 सितंबर तक मौका देते हैं। अगर 30 सितंबर तक आप ये चेक कर लो, अगर आपको ये लगता है कि सारे में YY लिखा हुआ आ रहा है तो इसका मतलब सारे सप्लायर्स ने आपकी 3B फाइल कर दी है। मतलब हमें अप्रैल 2022 से लेकर मार्च 2023 तक की रिटर्नें चेक करनी है, बिल्कुल, और सामने वाले को वो 30 सितंबर तक भर भी देनी है। हाँ, भर भी देनी, ताकि आपके में यस आ जाए, ताकि यस आ जाए। तो सिर्फ 12 महीने के लिए है कि उससे आगे भी है? नहीं नहीं, आप ये समझो ना, अभी हम बात कर रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के। तो अब यहाँ पर कोई व्यक्ति सोच रहा है कि मैं तो 30 सितंबर को शुरू करूंगा चेक करना, नहीं, ये आज आपको आज ही करना है, क्योंकि अगर आपने अगस्त में इन चीजों को चेक करना शुरू करा और आपको ये पता लग गया कि भाई 4 सप्लायर ऐसे थे जिनकी GSTR 3B में Y की जगह नो आ गया, यस की जगह नो आ गया, तो आप उसे फॉलो अप करोगे कि भाई तुमने फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न 3B अभी तक क्यों नहीं भरी, और अगर आपने उसे फॉलो अप करके 30 सितंबर से पहले भरवा ली, यस करवा दिया तो यू आर सेफ। और अगर आपने 30 सितंबर तक उसे यस नहीं करवाया फिर क्या होगा, फिर आपको 30 नवंबर से पहले, देखो इन्होंने क्या बोला,
कि 30 सितंबर तक या तो सामने वाले से यस करा देना, और अगर वहां से यस नहीं कराया तो आपको 30 नवंबर से पहले उस आईटीसी को रिवर्स करना पड़ेगा, और विद इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट के साथ करना है, इंटरेस्ट के साथ करना है। तो यहां पर क्या पेच फंसता है कि यहां पर गवर्नमेंट ने ये नहीं कहा कि सामने वाले ने टैक्स पे कर दिया नहीं कर दिया, वो कह रहा है बस तुम 3B चेक कर लो। क्योंकि यहां पर अब आप कहोगे सर मेरे सप्लायर ने मुझे 1,00,000 का बिल दे रखा है और 3B नील की भर रखी है, तो मेरा मैं मतलब सेफ हूं। गवर्नमेंट कह रही है यस, क्योंकि गवर्नमेंट कह रही है कि अगर तुम्हारे सप्लायर ने 1,00,000 की भर रखी होगी, 3B 0 की भर रखी होगी, तो हम उसे नोटिस दे देंगे। लेकिन एज ए रिसिपियंट तुम सिर्फ इतना काम कर लो। जब आप रूल 37 ए को पढ़ोगे ध्यान से, वो ये नहीं कहता, वो ये नहीं कहता कि तुम्हारे सप्लायर ने टैक्स पे कराओ, तुम्हें वो चेक करना है, वो तो कर ही नहीं सकता, ठीक है ना। वो सेक्शन 41 कहता है, लेकिन सेक्शन 41 का रूल ये कहता है कि बस तुम इतना चेक कर लो कि 3B उसने सबमिट कर दी। अब कोई व्यक्ति ये भी बहाना नहीं बना सकता कि मैं कैसे चेक करूं कि 3B सबमिट कर दी या नहीं कर दी। हाँ सही बात है, बिल्कुल। वो ये भी बहाना नहीं बना सकता क्योंकि यहाँ पर पोर्टल में फैसिलिटी आई रही है वाई वाली कि भाई 3B फाइलिंग स्टेटस। तो ये वाला काम आपको आज से ही शुरू कर देना है, आप इसे आज से ही शुरू कर दो, कल से शुरू कर दो। आप धीरे धीरे चेक करते रहो, अपने किसी एक स्टाफ को लगा दो या किसी सॉफ्टवेयर की मदद ले लो कि जहां पर यह पता लग जाए कि 3B सामने वाले ने भरी है या नहीं तो ये वाला आईटीसी आपको रिवर्स करना पड़ जाएगा विद इंटरेस्ट, विद इंटरेस्ट। और उसके बाद मान लो तुमने ये काम करना शुरू करा सर 30 सितंबर को, अब 30 सितंबर को तुम करते रहे, अब आपने बोला कि भाई ये रिटर्न आपने फाइल नहीं करी, उसने कहा ठीक है मैं भर देता हूं, सामने वाले ने वो रिटर्न 4 अक्टूबर को भर दी, क्योंकि वो तो भर सकता है, भर सकता है बिल्कुल, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न्स वो भर सकता है 4 अक्टूबर को 10 अक्टूबर को। अब अगर उसने 10 अक्टूबर को भर दी तो तुम्हारा तो 30 सितंबर तक नहीं था ना जी, 30 सितंबर तक था नहीं, तो तुम्हारे को वो रिवर्स करना पड़ जाएगा 30 नवंबर को, और फिर उसके बाद तुम्हें दोबारा रिक्लेम करना पड़ेगा, रिक्लेम करना पड़ेगा, लेकिन वो भी नवंबर से पहले, ठीक नहीं, रिक्लेम तो जब मर्जी कर लो, रिवर्सल आपको नवंबर तक करना है। लेकिन सर उसकी भी तो टाइम लिमिट है ना क्लेम करने की भी, रीक्लेम करने की भी 22-23 नहीं नहीं, रीक्लेम की कोई टाइम लिमिट नहीं होती इस केस में, रीअवेलमेंट की जो सेक्शन 16(4) है इस पे नहीं लगता। अच्छा, वो लास्ट डेट वाला नहीं, नहीं लगता। अगर सामने वाले ने 2024 के अंदर भी अपनी 3B फाइल करेगा तो आप 2024 में दोबारा रीक्लेम कर सकते हो। अच्छा, ये एक नया बेनिफिट मुझे भी पता चला कि इसमें आपकी टाइम लिमिट नहीं है, मतलब एक बार लेकिन क्लेम होना चाहिए आपको। हाँ, एक बार क्लेम कर लो, रीअवेलमेंट की कोई टाइम, रीअवेलमेंट के लिए कोई टाइम लिमिट नहीं है। आप अगर एक बार क्लेम कर लिया और आपने रिवर्स कर दिया तो आप उसको 1-2 साल में भी अगर बाई चांस, लेकिन दिक्कत है ना रिवर्सल के साथ इंटरेस्ट जाएगा, इंटरेस्ट जाएगा, और जब मैं रीक्लेम करूंगा तो मुझे कुछ मिलेगा नहीं कुछ इंटरेस्ट का, तो यहाँ पर इंटरेस्ट का नुकसान हो जाएगा। तो आप अपने सप्लायर को अभी से फॉलो अप कर लो, ठीक है ना, बाद में वो तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है, बाद में उसे ढूंढते रहोगे नहीं मिलेगा, तो उसकी 3B को यस करवा लो, उससे कहते भाई तू नील की भर दे, तुझे जो ऐसे मर्जी भर दे, जैसे भी करना, बस मुझे यस दिखा दे मेरे पोर्टल पर, भर दे। सर ये सारी चीजें जो है ना, हमने जो हमारा कोर्स है इसके अंदर बहुत अच्छे से समझाई है, हमारा जो ये कोर्स है GST का, ठीक है, हमने CA इंटर के लिए भी कोर्स बनाया है, और क्या कहते हैं जो हमारे अकाउंटेंट्स हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए भी हमने कोर्स बनाया है, और ये दोनों ही कोर्सेज हमारे ऐप पर अवेलेबल है। तो अगर किसी को ये भी कोई भी कोर्सेज चाहिए तो हमारे ऐप पर विजिट कर सकता है सर, ऐप को डाउनलोड कर सकता है, उसका लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहे, ठीक है, प्ले स्टोर पर जाएगा, ऐप डाउनलोड कर लेगा। सर CA इंटर का कोर्स भी है और यहाँ पर प्रोफेशनल के लिए भी कोर्स है, तो मतलब दोनों के दोनों कोर्सेज अवेलेबल हैं GST के, चाहे वो प्रोफेशनल हो चाहे वो अकाउंटेंट हो, दोनों के लिए प्रोफेशनल है, अकाउंटेंट है, CA इंटर का स्टूडेंट है, CA इंटर का भी स्टूडेंट है, ठीक है, मतलब नॉमिनल प्राइस पर, बिल्कुल नॉमिनल प्राइस पर है। तो आप इसे डाउनलोड करके, और फ्री कोर्स भी है सर ऐप पर, फ्री कोर्स, अगर आपको फ्री कोर्स करना है, पैसे नहीं है तो फ्री कोर्स भी आप उसे भी कर सकते हैं। तो सर इसमें सारे की सारी विन विन सिचुएशंस हैं आप सभी के लिए। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, क्या आपकी नॉलेज बढ़ी या नहीं बढ़ी। देखिए हमारी तो नॉलेज बढ़ी रही है कपिल जैन सर के साथ साथ, तो आप लोग भी ऐसे ही तरक्की करते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू।